Hello everyone, my name is Aditya Paliwal and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम. वर्क एंड वेजेस में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो ए और बी ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ अमाउंट मिला है, तो ए और बी में वो अमाउंट किस रेशियो में शेयर होगा, यानी ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा. इस टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे वर्क एंड वेजेस में. नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे पाइप एंड सिस्टम. पाइप एंड सिस्टम में अपन को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक टैंक है, उसको अगर कोई पाइप भर रहा है ए और बी और सी पाइप उसको एम्प्टी कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअली उनका टाइम दिया है कि ए अकेला उस टैंक को 10 आवर्स में भरता है, बी 15 आवर्स में भरता है और सी उसको 9 आवर्स में खाली करता है, तो ये तीनों पाइप अगर साथ में ओपन हो जाएंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा या कितनी देर में खाली होगा. इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे पाइप एंड सिस्टम में. तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को अपन को किस तरीके से अप्रोच करना है. फर्स्ट है वेजेस. वेजेस को अपन हिंदी में तनख्वाह भी बोलते हैं, या कोई भी काम करने के लिए किसी व्यक्ति को जो पैसा मिलता है वो उसकी वेज होती है. टोटल वेज का फॉर्मूला होता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ डेज जितना उस पर्सन ने वर्क किया है मल्टीप्लाई बाय उसकी वन डे वेज, यानी एक दिन की उसकी सैलरी या एक दिन का उसको कितना पैसा मिलेगा और कितने दिन काम किया है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो अपने पास आता है वेजेस. वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी अगर कोई पर्सन ज्यादा वर्क करेगा तो उसको ज्यादा वेज मिलेगी, अगर कम वर्क करेगा तो ऑब्वियसली उसको कम पैसा मिलेगा. इसी तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे टाइम टेकन के. अगर कोई पर्सन ज्यादा टाइम में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी एक दिन की कम होगी या उसको कम पैसा मिलेगा. इसी तरीके से कोई पर्सन कम टाइम में वो काम कर रहा है तो उसकी सैलरी पर डे की ज्यादा होगी. तो वेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के. इसी तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि वेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन डे वर्क, यानी अगर कोई पर्सन एक दिन में ज्यादा यूनिट वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी. इसी तरीके से कोई पर्सन अगर एक दिन में कम यूनिट वर्क कर रहा है तो उसकी वेज कम होगी. अपन एग्जांपल से देखते हैं. अगर ए है वो कोई वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज में, इसी तरीके से बी है वो उस वर्क को कंप्लीट करता है 15 डेज में, तो इनकी सैलरी का जो रेशियो होगा यानी वेज का जो रेशियो होगा ए और बी का वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ देयर टाइम, यानी टाइम के रेशियो के उल्टा. यानी अगर ए है वो अगर 10 डेज ले रहा है बी 15 डेज ले रहा है तो इनकी वेज का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा 15:10. या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेज का जो रेशियो है वो वन डे के बराबर होगा, तो ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/10, इसी तरीके से बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/15, तो ये भी आ जाएगा अपने पास 15:10. तो इस तरीके से अपन निकालेंगे कि उनकी वेजेस का क्या रेशियो होगा. एक बार फिर से अपन देखेंगे वेजेस के जो तीन प्रोपोर्शनलिटी वो याद रखनी है. वेज हमेशा वर्क के प्रोपोर्शनल होगा, अगर ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज्यादा वेज मिलेगी. इस तरीके से वेज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. अगर कोई वर्क करने में कोई इंसान ज्यादा टाइम लगा रहा है तो उसका पर डे वेज कम होगा. इसी तरीके से अगर वो कम टाइम में कर रहा है ज्यादा काम तो उसका पर डे वेज ज्यादा होगा. और इसी तरीके से वेज जो होता है वो वन डे वर्क के बराबर प्रोपोर्शनल होता है. अगर कोई इंसान वन डे वर्क ज्यादा कर रहा है यानी एक दिन में ज्यादा यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो उसकी ज्यादा सैलरी होगी, अगर वो एक दिन में कम यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी कम होगी. आइए एग्जांपल देखते हैं. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 5 डेज. इफ टोटल अमाउंट टू बी गिवन फॉर द वर्क इज 660 रुपीज, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए एंड बी. अब यहां पर अपन को बोला ए और बी को मिलाकर के 660 रुपीज मिले हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये अपन को निकालना है. तो अपन ने अभी देखा था कि ए और बी का जो रेशियो होगा वेज का वो होगा उनके वन डे वर्क का रेशियो. अब ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा अपने पास 1/6, इसी तरीके से बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/5, तो ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 5 ऊपर आ जाएगा तो 5:6, यानी इनकी वेजेस का रेशियो होगा 5:6. अब ए को कितना मिलेगा, ए को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 5 / टोटल कितना है 5+6 यानी 11 × 660, तो ये आ जाएगा अपने पास ए को मिलेंगे 300 रुपीज. इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा, बी का कितना शेयर है 6 / टोटल कितना है अपने पास, इसमें से शेयर बी का 6 है 11 × टोटल अमाउंट है अपने पास 660, तो ये आ जाएगा अपने पास 360 रुपीज, यानी बी को कितने मिलेंगे 360 रुपीज और ए को मिलेंगे 300 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1600
X alone can do it in 6 days, while Y alone can do it in 8 days. They completed the work in 3 days, taking help of A. Find the share of A. अब यहाँ पर अपन को बोला है, एक piece of work X और Y ने contract पे लिया है, लेकिन उन्होंने एक A की help से 3 days के अंदर वो work complete किया है. यानी X, Y और A ने तीनों ने मिलकर के 3 days में work complete किया है. अब अपन को पता लगाना है कि A को कितना share मिलेगा. अब ये पता लगाने के लिए अपन क्या निकालेंगे? A का one day work कितना होगा? आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको. x का वन डे वर्क कितना है अपने पास? 1/6. इसी तरीके से y का वन डे वर्क हो जाएगा अपने पास 1/8. ये अगर n डेज में इस अलोन इस वर्क को कंप्लीट करता है, अकेला करता है तो उसको n डेज लगते हैं, तो उसका वन डे वर्क हो जाएगा 1/n. अब अपने को दिया है इन्होंने मिलकर के ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया? 3. तो अपने पास हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/n is equal to 1/3. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/n is equal to 1/3 minus 1/6 minus 1/8. यहाँ पर LCM लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 24. 8 minus 4 minus 3 but 1/10. तो ये हो जाएगा 1/24. यानी n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 24 days. मतलब A अगर अकेला काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 24 days. तो A का वन डे वर्क हो जाएगा 1/24. अब ये जो अमाउंट है 1600, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? इनके वन डे वर्क के रेशियो में. तो ये हो जाएगा अपने पास 1/6, 1/8, 1/24. यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम या अपन इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 24 से. तो अपने पास आ जाएगा 6 4 जे 24 8 3 जे 24 24 1 जे 24. तो एक्स वाई जेड के वन डे वर्क का रेशियो आ गया अपने पास. अपन ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो रेशियो आ गया अपने पास 4:3:1. यानी जो 1600 अमाउंट है वो इस रेशियो में डिवाइड हुआ. ये x को मिलेगा 4, y को मिलेगा 3 और a को मिलेगा 1. तो अपन को निकालना है a को कितना मिलेगा. a को मिलेगा 1/4+3+1 यानी 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 1600. तो ये है अपने पास 200. आंसर आ जाएगा 200. इसी तरीके से बोलता है x को कितना मिलेगा, तो x को मिलेगा 4/8 × 1600. That will be 800. और y को कितना मिलेगा? y को मिलेगा 3/8 × 1600. That will be 600. तो इस तरीके से अपन a, x, y, z और a का wages निकाल लेंगे. अपन को जो wage का ratio पता है वो होता है या तो total work done का ratio, अगर वो अपने को नहीं दिया हुआ है तो one day work का जो ratio लेंगे उस ratio में लेंगे. यहाँ पर अपने पास one day work का ratio आ गया x का, y का और ratio को मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो ये आ गया 4:3:1. अब यहाँ पर a का कितना है? 1 पार्ट, टोटल पार्ट है 8, तो 1/8 हो जाएगा किसका? 1600 का. इसी तरीके से x का निकालना है तो 4/8 हो जाएगा, y का निकालना है तो 3/8 हो जाएगा. तो a को कितना अमाउंट मिलेगा? 200. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. a can do a piece of work in 10 days while b alone do it in 15 days. They work together for 5 days and rest of work is done by m in 2 days. If they get rupees 9000 for whole work, then find the share of A, B and M. अब अभी तक अपन को पता है कि जो wages होती है वो या तो one day work के ratio में होती है या total work के ratio में होती है. यहाँ पर अपन one day work के ratio में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि A, B और M ने अलग अलग number of days work किया है. तो यहाँ पर अपन wages को रखेंगे total work done के ratio में. आइए देखते हैं. सबसे पहले अपन को निकालना होगा कि M अकेला वो work कितने days में करता है. A अगर उसको 10 days में करता है तो A का one day work क्या हो जाएगा? 1/10. इसी तरीके से B अगर उसको 15 डेज में करता है तो B का वन डे वर्क हो जाएगा 1/15. और M अगर अपन मान लेते हैं उसको 10 डेज में करता है तो B का वन डे वर्क हो जाएगा 1/10. अब यहां पर अपन को दिया हुआ है कि A, B, M ने मिलकर के वर्क किया है. A ने कितने दिन किया है? 5. तो हो जाएगा 5 × वन डे वर्क कितना है? 1/10. इसी तरीके से B ने कितने दिन किया है? 5. B का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 15. तो ये हो जाएगा 5 × 1/15. इसी तरीके से M ने कितने दिन किया है? बचा हुआ 2 दिन M ने किया है और M का वन डे वर्क लिया अपन ने N, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/N. ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि टोटल यूनिट वर्क अपन कितना कर रहे हैं? पूरा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी 1 यूनिट मान रहे अपन. ये हो जाएगा अपने पास 1/2, ये हो जाएगा 1/3. तो 2/N हो जाएगा अपने पास 1 − 1/2 − 1/3. दैट विल बी 1/6. यानी N की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 12 डेज. तो यहां पर अपन ने देखा कि
एम अगर अकेला करता तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। तो एम का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/2। अब जो वेजेस का रेशियो होगा वो होगा इनके टोटल वर्क के रेशियो में। तो टोटल वर्क कितना हुआ, ए ने वन डे वर्क किया है 10 और कितने दिन किया है 5। तो ए का हो जाएगा टोटल वर्क 5 × 1/10 हो जाएगा 5/10। इसी तरीके से बी का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 5 × 1/15, तो ये हो जाएगा 5/15। इसी तरीके से एम ने कितने दिन काम किया, 2 डेज, और बी एम का वन डे वर्क कितना है 1/12, तो इसमें टोटल वर्क क्या है 2 × 1/12 हो जाएगा 2/12। यहां से अपने पास रेशियो आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 3:2:1। यानी जो अमाउंट होगा वो इनको 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। अब अपन को निकालना है ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3 + 2 + 1 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल है 9000। तो ये हो जाएगा अपने पास 4500। इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 9000। तो ये हो जाएगा अपने पास 3000। और लास्ट बचा अपने पास एम, एम को कितना मिलेगा 1/6 × 9000। तो ये हो जाएगा अपने पास 1500। यानी एम को मिलेगा 1500, ए को मिलेगा 4500 और बी को मिलेगा 3000। तो यहां अपन ने देखा जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अपन वन डे वर्क के रेशियो में नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि तीनों का नंबर ऑफ डेज जो वर्किंग है वो अलग अलग है। तो यहां अपन को नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय वन डे वर्क करना पड़ेगा। तो इससे पता लगेगा ए ने कितना वर्क किया, बी ने कितना वर्क किया, सी ने एम ने कितना वर्क किया। तो अपन जो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट है उसको इनके टोटल वर्क के रेशियो में डिवाइड करेंगे। वो था अपने पास 1/2, 1/3, 1/6। अपन ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों रेशियो को तो अपने पास आ गया 3:2:1। इस रेशियो में अपन ने 9000 के अमाउंट को डिवाइड कर दिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर अपने को बोला है कि ए किसी टैंक को भरता है 10 आवर्स में, इसी तरीके से बी किसी टैंक को भरता है 12 आवर्स में, और फिर अपने को बोला है ए प्लस बी मिलकर इसको कितने देर में भरेंगे। तो जिस तरीके से अपन वर्क में ले रहे थे कि उनका अपन वन डे वर्क निकाल रहे थे, यहां अपन निकालेंगे कि ए एक आर में उस टैंक को कितना भरेगा, इसी तरीके से बी एक आर में उस टैंक को कितना भरेगा। तो ए एक आर में भर देगा उसका 1/10 पार्ट, इसी तरीके से बी 12 आवर्स में भर देगा उसका 1/12 पार्ट। तो ए प्लस बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो ये करेंगे 1/10 + 1/12। अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 60, हो जाएगा 6 + 5 यानी 11/60 पार्ट भरता है ए प्लस बी एक आवर में। तो टोटल टाइम उनको लग जाएगा 60/11 आवर्स। तो यहाँ पर भी अपन को सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। वहां पर अपन वन डे वर्क ले रहे थे, यहाँ पर अपन को उस टैंक को भरने में अगर एक आवर में कितना पार्ट भरते हैं टैंक का ये निकालना है, बी एक आवर में कितना पार्ट भरता है वो निकालना है, इन दोनों को एड करना है। तो अपने पास आ जाएगा एक आवर में ए प्लस बी मिलकर 11/60 पार्ट टैंक का भरते हैं तो टोटल उनको 60/11 आवर्स लगेंगे वो टैंक। यहां पर अगर अपन को दिया हुआ था ए किसी टैंक को भर रहा है 10 आवर्स में, बी भर रहा है 12 आवर्स में और सी उसको एम्प्टी कर रहा है 15 आवर्स में, तो इस केस में क्या होगा, अगर सी उसको एम्प्टी कर रहा है तो इसके लिए अपन इसके जो साइन होगा उसके आगे माइनस लगाएंगे। यानी वन ए अगर 1 आवर में 1/10 पार्ट भर रहा है, बी 1 आवर में 1/12 पार्ट भर रहा है और सी 1 आवर में 1/15 पार्ट खाली कर रहा है, तो ए बी सी अगर साथ में ओपन कर दिया तो अपन क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस सी यानी 1/10 + 1/12 - 1/15। यहाँ एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60, तो ये आ जाएगा 6 + 5 - 4 यानी कि अपने पास आ जाएगा 7/60 के अंदर वो टैंक भर जाएगा पूरा अगर ए और बी उसको भर रहे हैं, सी उसको खाली कर रहा है। यहां अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पाइप उस टैंक को खाली कर रहा होगा उसके 1 आवर में कितना खाली कर रहा है वो निकालेंगे। अपन 1/15 पार्ट कर रहा है तो उसके साइन के आगे माइनस आ जाएगा और जो उसको फिल कर रहा है उसके आगे प्लस आ जाएगा। बाकी अपन को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो अपन टोटल वर्क में फॉलो कर रहे थे। आइए अपन एग्जांपल से समझते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स while pipe B can fill it in 15 hours and pipe C can empty the full tank in 30 hours. If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank completely full? अब यहाँ पर अपन को दिया है A भी उसको fill कर रहा है, B भी fill कर रहा है, लेकिन C जो है वो उसको empty कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन A plus B minus C।
ए वन आवर में कितना पार्ट भरता है, 1/20 पार्ट। इसी तरीके से बी वन आवर में कितना पार्ट भरता है, 1/15 पार्ट। और सी वन आवर में कितना पार्ट एमडी करता है, 1/30 पार्ट। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा एलसीएम 60, ये हो जाएगा अपने पास 3 + 4 - 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/60 यानी कि 1/12। अगर ये तीनों पाइप साथ में ओपन होंगे तो ये 1 आवर में 1/12 पार्ट भरेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा इनको फिल करने में पूरे टैंक को, 1/12 दैट विल बी 12 आवर्स। अगर ये तीनों पाइप साथ में ओपन होंगे तो ये 12 आवर्स के अंदर इस टैंक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, if both are opened simultaneously after how much time should b be closed so that the tank fill in 9 minutes। अपन को यहां पर बोला है कि a और b दोनों पाइप जो है वो उस टैंक को फिल करते हैं, अगर अपन ने दोनों को साथ में स्टार्ट किया है तो कितने टाइम बाद b को बंद करना पड़ेगा कि जो पूरा टैंक है वो 9 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो यहां पर अपन को दे रखा है कि a और b हैं, अगर अपन ने मान लिया कि x टाइम तक a और b साथ में चले, फिर अपन ने b पाइप बंद कर दिया और जो रिमेनिंग जो है वो ए ने फिल किया है, वो टोटल टाइम अपने को दिया है यहाँ पर 9 मिनट्स। अपन को निकालना है कि बी को कितनी देर बाद बंद किया है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो ए का अपन को देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना पार्ट भरता है, 1/12, और ए कितने मिनट्स चलता है, 9। तो ये हो जाएगा ए का 9 × 1/12। इसी तरीके से बी कितने मिनट चलता है, अपन ने यहाँ पर लिया एक्स मिनट, और बी 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करता है, 1/16। टोटल कितना बनना है, आपको एक टाइम खुद बनना है यानी 1 मिनट। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हो जाएगा 3/4, यानी x/16 = 1 - 3/4, ये हो जाएगा अपने पास 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 मिनट्स। यानी अगर अपन 4 मिनट्स बाद बी पाइप को क्लोज कर देंगे तो रिमेनिंग टैंक 9 मिनट्स के अंदर पूरा फिल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न, ए कैन फिल इट इन 30 आवर्स and B can fill it in 20 hours. Third pipe C leaks out 45 liter per minute. If all the three pipes are opened simultaneously, the tank will fill in 15 hours. Find the capacity of the tank. अब यहाँ पर अपन को टैंक की कैपेसिटी निकालनी। टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? अगर अपन को पता लग जाए कि C पाइप जो है वो कितना टाइम वर्क करेगा तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को C का दिया हुआ है कि वो 1 मिनट में 45 लीटर खाली करता है। अगर अपन को टोटल टाइम पता लग जाए कि सी कितने टाइम में पूरा टैंक खाली करेगा तो अपन को टैंक की कैपेसिटी पता लग जाएगी। तो यहां पर अपन को दिया हुआ है ए अगर उस टैंक को 30 आवर्स में फिल कर रहा है, बी उस टैंक को 20 आवर्स में फिल कर रहा है, और ए बी और सी जो उसको एम्प्टी कर रहा है वो अगर साथ में वर्क करते हैं तो उनको 15 आवर्स लगता है वो टैंक भरने में। तो यहां से अपन निकाल लेंगे सी अकेला उस टैंक को कितने आवर्स में खाली करेगा। लेट अस अज्यूम कि सी एक्स आवर्स में उसको खाली करता है, तो अपने पास हो जाएगा 1/30, ए का 1 आवर का कितना पार्ट होगा, बी 1 आवर में कितना पार्ट रहेगा, 1/20, सी 1 आवर में कितना पार्ट खाली करेगा, 1/x। टोटल अपने आपको दिया हुआ है 15 आवर्स लगते हैं, यानी 1 आवर में कितना पड़ता है, 1/15। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 1/x = 1/30 + 1/20 - 1/15, दैट विल बी 60 एलसीएम होता है तो 2 + 3 - 4 = 1/60। यानी सी अगर अकेला वर्क करता है तो उसको 60 आवर्स लगते हैं उस टैंक को एम्प्टी करने में। 60 आवर्स लगते हैं तो अपन को निकालना है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अगर सी 60 आवर्स में उस टैंक को एम्प्टी कर रहा है और वो हर मिनट में 45 लीटर वाटर एम्प्टी कर रहा है तो टोटल कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 60 × 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है वो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 45 लीटर से। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 60 × 60 × 45, ये हो जाएगा अपने पास 1,62,000 लीटर्स उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो अपन ने क्या करा, अपन ने सी की कैपेसिटी दी है कि हर मिनट में कितना लीटर एम्प्टी कर रहा है और टोटल कितना टाइम लगता है सी को टैंक एम्प्टी करने में, अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो टोटल अपने पास आ गया 1,62,000 लीटर्स, ये उस टैंक की कैपेसिटी हो गई।